Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back. कहते हैं मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा आता है, और अगर वही सफ़र दोस्तों के साथ किया जाए तो फिर कुछ ऐसा होता है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और आज हम लोग जाने वाले हैं उकियाम, और मेरे साथ है जुबेर भाई, पीछे कैमरा से शूट कर रहे हैं, और वहाँ हमारे आशीन भाई रेडी हो रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और एक महीने से व्लॉग नहीं डाला, पता नहीं कैसा बनेगा आज का व्लॉग। तो जो भी हम लोग ट्राई करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। और साथ में हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस के लिए ये भी है, तो सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, तो देखते क्या होता है। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोगों ने पेट्रोल डाल लिया है, सो अभी हम लोग जाने के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं। और आज का जो मौसम है भाई, लोग बहुत गर्मी है, तो मतलब थोड़ा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी निकल जाएंगे आराम से, वहाँ पे जाके फ्रेश होकर मस्त नहा लेंगे वहाँ पे। सो अभी निकल जाते हैं और कुछ खाते हैं रास्ते में, बहुत भूखा हूँ। क्या बोलते हो हसीन गुलफान भाई? वही, तुम नहाओगे, मैं नहीं नहाऊंगा, मैंने कपड़ा नहीं लाया अभी। हसीन क्या, हसीन का हालत बहुत ख़राब है, तो अभी निकल जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे मेरे बारे में भी कुछ बोलो, कुछ अच्छा बोलो। मैं इधर देखता रहूँगा, तुमसे बोलो। चलो चलो, अभी हम लोग यहाँ से जल्दी निकलते हैं और देखते क्या होता है। क्या हुआ आज तुमको, क्या हो गया? पेट पूजा, पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और देखते क्या होता है। तो गाइस, अभी हम लोग ये लिए माजा, मैं और जुबेर भाई, बाकी यही है अभी सीन। और अभी हम लोग उसको पियेंगे, थोड़ा यहाँ पर नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से उकियाम। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा ये थाली, और अभी हम लोग खाएंगे, उसके बाद जाएंगे। लेकिन पहले इसको खाओ या पहले इसको, वो देखते क्या होता है। तो अभी हम लोग ने पूरा नाश्ता वास्ता कर लिया, और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से फुल पावर अप होके, और अब हम लोग वहाँ पहुँच के उसके बाद ही बात करेंगे। सो देखते हैं क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर आके रुके हुए हैं, जहाँ कोई तो नहीं है यहाँ पर, पूरा सुनसान लग रहा है रास्ता। तो अभी हम लोग यहाँ से बस थोड़े से डिस्टेंस में है, और थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में। और अभी पता नहीं क्या बोलूँ, बहुत थक चुका हूँ, और पता नहीं क्या बोलूँ अभी। मतलब जल्दी को देखो, अपने कैमरा में बिजी है, कैमरा बोल दिया, हंस दिया, बहुत बिजी है, और अकेला मतलब सोलो ड्राइव कर रहे तब से। इधर फोकस करो, हाँ, तो हम जाएंगे ब्लॉग बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। अभी यहाँ से निकल जाएंगे, गूगल मैप के हिसाब से 20 किलोमीटर दिखा रहा है। सो ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए हमें रास्ते में इस खूबसूरत से नज़ारे ने रोक लिया। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ये हट है, थोड़ा सा रुक रहे हैं यहाँ पे हम लोग। उमियाम भी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। उमियाम नहीं भाई, उकियाम, सॉरी, उमियाम शिलोंग में, उकियाम जाना है हमें, पता नहीं कब पहुँचेंगे। बहुत लेट निकले हम लोग, और अभी बहुत लेट हो चुके हैं, 3 बजने वाले हैं। रास्ते में रोटी कौन पीला? तीनों ने सोनू के जरा बोल, सोनू जो लड़का है वाला, कौन सोनू? अबे जल्दी बोलो बॉय। तो हम लोग अभी यहाँ से पहुँचेंगे, और उसके बाद देखते क्या होता है। और बाय बाय। यहाँ पर हमने 2-3 पिक्चर्स लिए, एंड उसके बाद फाइनली अपने मंजिल की ओर निकल गए। Thank you.
किलोमीटर और हैं, तो जल्दी पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ थोड़ा रुक जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कैमराज और ड्रोन भी है, तो उसको बचा के रखना है हमें। मौसम कुछ इस तरह बदला कि हमें यह रेस्टोरेंट में रुकना पड़ गया। थोड़ी देर के लिए तो हम लोग उदास थे, लेकिन हमने सोचा हटाओ यार, मस्त चाय पीते हैं और इस व्यू का एंजॉय करते हैं। लगभग एक घंटा रुकने के बाद फाइनली बारिश रुक गया। बारिश नहीं था यहाँ पे, वो क्या करते हैं ना, पत्थर बर्फ का गोला वो गिरा था एंड पूरा हेलस्टॉर्म आया था। सो इस होटल में हमने बहुत एक घंटा रहा। एक होटल अगर नहीं होता ना तो हम पूरा भीग जाते, एंड लकीली हम लोग यहाँ पे रहे, चाय पिए। एंड अभी हम लोग जाएंगे फिर से उकियाम पिकनिक स्पॉट, और क्योंकि हम वहाँ ही जाने आए थे, बट शायद अभी ड्रोन वोर नहीं उड़ा सकते, देखते जाके कितना शूट कर सकते हैं वहाँ पे। और हाँ, सो लेट मी आस्क माय फ्रेंड्स हाउ वाज देयर ट्रिप। सो गुलफान, कुछ बोलना चाहते हो, कैसा रहा? अच्छा लगा, इसी को तो एडवेंचर बोलते हैं। और यही तो हम लोग एक्सपीरियंस करने भीगे नहीं, मतलब थोड़ी आगे आके हम लोग को बारिश मिल गया, फिर हमने डायरेक्टली यहाँ पे रुका, फिर दो मिनट रुकने के बाद हेलस्टॉर्म आ गया, तो मतलब लकीली हम लोग बच गए। गुवाहाटी से 80 किलोमीटर दूर, 4 घंटे की ड्राइव और 1 घंटे की पेशेंस, सिर्फ इसलिए कि मैं और मेरे दोस्त इस खूबसूरत सी जगह में अपना आधा घंटा गुजार सकें। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं उकियाम लेक। बहुत ही मुश्किल से हम लोग आए हैं, अभी बारिश हो गया था, हम लोग कम से कम एक घंटा एक रेस्टोरेंट में रुके क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो चुका था, और वहाँ पे मतलब बर्फ़ के वो जो गोले होते हैं वो भी गिर रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे में रॉप ब्रिज है, और उसके पीछे में एक मतलब हाथी भी है, तो देखते हम लोग उसका शॉट ले सकते हैं या नहीं। और यहाँ पर हम लोग ड्रोन फ्लाई करने वाले, अभी यहाँ देख सकते हो आप, तो थोड़ा ड्रोन शॉट्स देख लीजिए। और यहाँ पर अभी आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, क्या नज़ारे है भाई, देखते। तो आप लोग ने अभी ड्रोन शॉट देख लिया, कैसा लगा बताना। और अभी हम लोग जा रहे हैं इस ब्रिज पे, और पीछे जो आप देख सकते हो उस पर अभी हम लोग जाएंगे, एंड अभी आप लोग वहाँ का सीन देखो, उसके जस्ट यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेट्स सी। अजीन भाई, सॉरी गुलफान भाई, तो गुलफान भाई जल्दी उस पार जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। Hi guys, hi. तो डर लगता ही है, तो फिलहाल के लिए देखते हैं क्या। जाओ हसीन, गुलफान गो। सो गाइस, मेरे नीचे है उकियाम लेक जो कि बहुत क्लीन है, और यहाँ पे क्लीननेस मेंटेन किया गया है, फिर भी थोड़े बहुत प्लास्टिक आपको साइड में दिखने को मिल ही जाएगा, तो वो क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं उस तरफ, हमारा स्कूटी वहाँ पर है, तो वो लेते हैं एंड देखते क्या। सो अभी हम लोग वहाँ से आ गए ब्रिज पर से, बहुत ही रिस्की था, आप लोग ने वीडियो में देखा जो, मतलब वो पूरा हिल रहा है, मतलब बीच में आपको कोई भी एक भी सपोर्ट नहीं मिलता है, एक वो एंड है और ये एंड, इसके बीच में जब आप आते हो ना पूरा शेक होने लग गया था। हसीन भाई ने तो मुझे अपना गाड़ी दे दिया, बोलते तुम चलाओ। और अभी यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करते हैं और ब्रिज वाला शॉट अभी लेंगे हम लोग, वो दिखाते हैं एंड या।
और जब भी ड्रोन फ्लाई होता है तो आप देख सकते हो लोगों का रिएक्शन कैसे है। फाइनली अभी हम लोग ने पूरा मतलब यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिया, घूम लिया अच्छा से, मतलब देखा हम लोग ने, और ब्रिज पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप गुवाहाटी से ज़रूर आओ, गुवाहाटी से मिनिमम 75 किलोमीटर है, जो कि हम लोग ने बहुत लेट करके आया, मतलब पता नहीं कैसे आया लेकिन आ गया। तो वही है सीन, और अभी हम लोग यहाँ पर घूम लिए और बहुत अच्छा लगा घूम कर। ये लेक भी बहुत क्लीन है, फिर भी थोड़ा मोड़ा मतलब डर्टी रहता है, मतलब प्लास्टिक व्लास्टिक फिर भी मतलब गिरा हुआ है, तो वो मत करो, उससे नेचर को भी हार्म होता है। तो यही है सीन, और अभी हम लोग यहाँ से जाते हैं घर, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। यहाँ जुबेर भाई पीछे में बैठे हुए कैमरामैन, और यहाँ हसीन भाई साइड में। तो कैसा लगा तुम लोग को? हम लोग को आके बहुत अच्छा लगा, और फिर से आएंगे। थैंक यू सो मच गुलफान भाई हमारे साथ आने के लिए, और अभी घर जाएंगे ना, घर जाएंगे और देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग कब तक क्या होता है। ओके ब्रो, बहुत दिन बाद व्लॉग बनाया, पता नहीं कैसा बनाए, मतलब उसमें ही कर लेना जो भी है, मतलब एडजस्ट कर लेना। बंदा मेहनत कर रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर देना। क्या बोला? ठीक बोला ना? ठीक बोला, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए काम चालू है।